Once again, welcome back in my YouTube channel, दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सुले एनिमी योर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होगे और अपने घर में बैठ के अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आप सब में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सर कुछ YouTube पे पढ़ाइए, YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट करिए। मैंने कहा ठीक है। एक्चुअल में मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे कोई भी टॉपिक 10 मिनट में नहीं पढ़ाया जा सकता, जैसा कि आप सब देखते हैं YouTube पे। अब छोटे छोटे टॉपिक कैसे पढ़ाए जाए, मीन्स कोई भी चीज़ में जब तक मैं डीप में नहीं जाता तब तक मुझे खुद मज़ा नहीं आता है। आज का जो लेक्चर लिया है ये बिल्डिंग बाय लॉ पे लिया है। अब आप देखो कि मैं कितना डीप में जाके बिल्डिंग बाय लॉ को दिखा रहा हूँ आपको। क्या आप इतना लेवल तक पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ ही साथ इसको लाइक करके सपोर्ट करिएगा और बताइएगा हाँ सर आप इससे भी बड़ा लेक्चर लेके आओगे तो पढ़ाऊंगा। क्या होता है अगर मैं सोम का एक न्यूमेरिकल ले लूं, मेरे दिमाग में चल रहे थे कि एसएफडी बीएमडी क्लियर करवा दूं, आपके डिफ्लेक्शन क्लियर करवा दूं, कोई भी एक लेक्चर लूं, कम से कम तो आधे घंटे एक घंटे तो लग ही जाते हैं। और प्रॉब्लम आपको भी पता है कि यूट्यूब पे क्या होता है, नीचे कॉमेडी का वीडियो आ जाता है और आप सोचते हो चलो कॉमेडी देखते हैं। तो थोड़ा सा अपने को ऐसा होता है कि कोई भी टीचर हो जब उसके जो कंटेंट होते हैं वो थोड़े से अप्रिसिएट नहीं होते तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लगता है यार एक घंटे का कंटेंट क्यों बनाना। मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्राई किया है कि एक घंटे का कंटेंट बना के देखता हूँ। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अप्रिसिएट किया तो हो सका तो मैं लाइव का कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा, अदरवाइज इस तरीके से बड़े बड़े वीडियोस आपके पास लेके आऊंगा और आप लोग इसको लाइक करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के एक एक स्टेप्स को क्लियर करवाया जाए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा लाइक करके दिखाइएगा कि हाँ जी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं बड़ा वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है। आप सबको पता होना चाहिए, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आप डिजाइनिंग के फील्ड में आने की सोच भी रहे हो और अगर आपको बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में क्लियर नहीं है, व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, अगर आपको ये नहीं पता कि बिल्डिंग बाय लॉ में कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, फिर आप डिजाइनिंग कर ही नहीं सकते हो। मीन्स इफ यू आर अ इंजीनियर एंड इफ यू थिंक फॉर प्लानिंग, फॉर मॉडलिंग, फॉर डिजाइनिंग, आपको बिल्डिंग बाय लॉ करना ही पड़ेगा। तो चलिए कंप्लीट मैंने बिल्डिंग बाय लॉ का एक शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ, तो आप उसको देखिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके गाइस, तो हम लोग को बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में नाम सुना है, हम लोग ने देखा था कि अच्छा ये होता है, सुन भी लिया हमने, बट एग्जैक्टली क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है टीपी, मतलब टाउन प्लानिंग। आप कोई बिल्डिंग अगर कर रहे हो तो उस बिल्डिंग का टाउन प्लानिंग भी होना चाहिए, मतलब कि इसको एक्चुअली बोलते हैं NA। NA मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर और उसके आगे होता है TP, तो NATP मतलब NA नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग। अगर ये आपके बिल्डिंग का हुआ है तभी आपको उस बिल्डिंग को परचेज करना चाहिए। अगर NATP नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली अगर उसको ले रहे हो, कल को इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आता है तो गवर्नमेंट के बीच में अगर आपका प्लॉट आ रहा है तो आपके प्लॉट को गिरा सकता है, वो गवर्नमेंट आपके प्लॉट को गिरा सकता है, तो वो आपको आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपको हमेशा याद रखना है कोई भी अगर बिल्डिंग ले रहे हो तो उस बिल्डिंग का NATP जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको नहीं लेना चाहिए। और NA तो कंपलसरी है, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट ही हमको लेना चाहिए। चलिए और हम इसके रूल्स समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक इमेज को, इस इमेज में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं, एक होता है स्लम एरियाज और एक है आपका बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग अच्छा सा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, डेवलपमेंट एज पर लॉ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हो, मीन्स आप इसमें देख रहे हो कि दूसरा जो इमेज है इसमें क्या दिख रहा है कि डेवलपमेंट एज पर लॉ, इसके अकॉर्डिंग बाय रूल्स अगर हुआ है ये तो बाय रूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ है और यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स आपके अच्छी तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। और इसमें देखेंगे स्लम एरियाज़ में, तो स्लम एरियाज़ में देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्लान हुए हैं और जो कि रेगुलर नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है कि तो क्राउड दिख रहा है, ऊपर से इसके अंदर लोग कम है, इसके कंपेयर में इसमें लोड कम, मतलब कि लोगों का रहने का व्यवस्था कम है, अरेंजमेंट कम है। और ये देखने में भी आपको कैसा दिख रहा है आपके सामने है, और यहाँ पर इंडिया में आपको बहुत से जगहों पर ऐसे मिलेंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं प्रॉपर वर्टिकल डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा है और वर्टिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और क्राउड भी हमें नहीं दिख रहा। और ये क्या है आपका, ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में आपका बहुत कम यहाँ पर क्राउड है और इसमें क्राउड कम है लेकिन क्या बोलते हैं अच्छा भी नहीं दिख रहा है। सो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा हमें वर्टिकल डेवलपमेंट के तरफ जाना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग जब इसको बनाते हैं तो ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब बनता है तो इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर कितना रियर एरिया छोड़ना है, कितना फ्रंट एरिया छोड़ना है, वो सब कुछ यहाँ पर
हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम जब लोग सबमिशन ड्राइंग करवाते हैं अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो ड्राइंग तभी पास होती है जब हम उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। बट इसमें अगर देखेंगे इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, सो ना ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम है, ना वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम मिलेगा, और ना ही आपको प्रॉपर रोड मिलेगा कि किधर से हम लोग इसमें जाएं। बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को सही तरीके से प्लान किया गया है, क्योंकि ये टीपी हुआ है, तो ये NATP है, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज बिल्डिंग बाय लॉ, क्योंकि सबके माइंड में आता होगा कि यार बिल्डिंग बाय लॉ होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है इस बात के, आपने सुना होगा बिल्डिंग बाय लॉ, बट एग्जैक्टली क्या होता है इस बात का आइडिया नहीं लग पाता आपको। द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाई टाउन प्लानिंग्स अथॉरिटीज कवरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द पब्लिक थ्रू ओपन स्पेस मिनिमम साइज ऑफ रूम एंड हाइट एंड एरिया लिमिटेशंस आर नोन एज बिल्डिंग बाई लॉ। क्लियर हो गया होगा आपको। द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाई टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज टीपी अथॉरिटीज होती हैं, और कवरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स प्रॉपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसको समझें, इंश्योरिंग द सेफ्टी सेफ्टी को प्रॉपर देखें, और पब्लिक थ्रोट ओपन स्पेस प्रॉपर कितना स्पेस है आने जाने के लिए रोड के लिए कितना स्पेस है ये भी हम लोग देखें। इसके बाद मिनिमम साइज ऑफ रूम एंड हाइट ऑफ द एरिया हाइट एंड एरिया लिमिटेशंस आर नोन एज बिल्डिंग बाई लॉ। नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस विच लार्जली रेगुलेट द बिल्डिंग एक्टिविटी शुड बी फॉर्मुलेट टू गेट डिसिप्लिन्ड ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग्स एंड द बेटर प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस विच लार्जली रेगुलेट मतलब फॉलो हो रहा है द बिल्डिंग्स एक्टिविटीज शुड बी फॉर्मुलेटेड मतलब उसमें बिल्डिंग की भी एक्टिविटीज एडेड हैं टू गेट डिसिप्लिन्ड ग्रोथ of buildings and the better planned development of town cities. Now, हम लोग next बात करने वाले हैं objective of building by law. इसके objectives क्या क्या होते हैं? तो first and very important is pre-planning of building activity. जब pre-plan हम किसी भी चीज़ का करते हैं, मान लीजिए हमको कोई program करना है, कुछ program organize करना है, उस program का हमने pre-planning कर रखा है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये step ऐसे होगा, ये step ऐसे होंगे, तो क्या होता है proper अच्छी तरीके से plan हो पाता है। अगर हमने अचानक से कुछ प्लानिंग किया तो सही तरीके से प्लान वहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट हो पाता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अब स्टडी के टाइम पे हमने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है कि ऐसे 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 हम लोग काम करने वाले, तो ऑफकोर्स वो अच्छे तरीके से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने कैरियर्स को। करेक्ट, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई सिटी डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई टाउन प्लान हम लोग कर रहे हैं, तो उसके प्रॉपर अगर हमने रेगुलेशंस कर रखे हैं, प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सेट कर रखे हैं, डेफिनेटली वो एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है। Now, allow orderly growth and prevent haphazard development. Provisions of bylaws usually afford safety against fire. सबसे important चीज़ होती है fire के अंदर safety रहती है उसमें। Noise, उसमें आपका noise pollution का problem नहीं होता। Health hazards and structures failures, इन सब चीज़ों को भी consider किया जाता है। Now, next objective is provide proper utilization of space. देखो क्या होता है, कभी कभी हम प्लानिंग करते हैं, अगर सही तरीके से हमने प्लानिंग करके नहीं बनाया तो लैंड हमारा बहुत बड़ा सा है, बट उसके अंदर जब रूम्स देख रहे हैं तो यूजेबल केवल एक या दो रूम्स निकलते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो हमको क्या करना है, प्रोवाइड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस टू अचीव मैक्सिमम इफिशियंसी इन प्लानिंग। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर सही तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं। दे प्रोवाइड हेल्थ सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द पीपल हु लिव इन बिल्डिंग्स। वो क्या करता है, प्रॉपर हेल्थ और सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो दे प्रोवाइड हेल्थ की प्रॉपर, हम कितना वेंटिलेशन लेंगे, कितना हमें विटामिन डी मीन्स सनलाइट होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। इसके साथ सेफ्टी का भी ध्यान दिया जाता है, कंफर्ट का ध्यान दिया जाता है कि अंदर जाके एकदम कंजेस्टेड ना लगे, क्योंकि कंजेस्टेड लगे और हम सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए होता है यहाँ पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ ड्यू टू दीज bylaws, each buildings will have proper approaches, light, air and ventilation. देखो एक इंजीनियर के द्वारा बनाए हुए घर का सबसे बड़ा ही एडवांटेज यही होना चाहिए कि उसमें एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लाइट का प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए और वेंटिलेशन सही तरीके से होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपकी नहीं हैं तो आप कितना भी करो आपका वो घर उस लाइक उस प्राइस में आपका नहीं जा सकता है जिस प्राइस में उसको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू लैंड। नेक्स्ट स्कोप ऑफ बिल्डिंग्स बाय लॉ, ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया,
स्कोप क्या क्या है इसके? द फर्स्ट स्कोप इज एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स इन बिल्डिंग बायलॉज। द फर्स्ट इज बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन्स। क्या मिलता है आपको? बिल्डिंग के सामने आपको फ्रंटेज लाइन मिल जाता है प्रॉपर। नेक्स्ट मिनिमम प्लॉट साइज, मिनिमम प्लॉट साइज वहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ बिल्ट अप एरिया ऑफ बिल्डिंग्स, आपको बिल्ट अप एरिया मिल जाता है। बिल्ट अप एरिया आगे हम बताने वाले हैं वैसे क्या होता है। बिल्ट अप एरिया आपका मिल जाता है वहाँ पे प्रॉपर। और साथ ही साथ हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग्स मिल जाती है। अब बिल्डिंग्स का हाइट कहाँ पर कितना रखना है इस चीज़ को हमें समझना पड़ता है, तो उसके लिए भी लॉज है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या लॉज उसके लिए। प्रोविजन ऑफ सेफ्टी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। अगर हमने सही तरीके से ड्रेनेज का सिस्टम को प्लानिंग नहीं किया, बिलीव करिए ऐसा कई बार होता है कि आपकी बिल्डिंग्स ड्रेनेज की वजह से प्रॉब्लम में है, फुटिंग्स पे उसके वाटर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, उससे क्या होता है धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग क्या होती है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होने लगती है, ये प्रॉब्लम्स आ जाता है। और साथ ही साथ ऐसे वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, कहीं पे ड्रेनेज हो रहा है, वॉल को तोड़ रहे हैं या फिर कॉलम को कभी कभी ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इन सबको बायलॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको पहले से प्लान करना पड़ता है, तब अच्छा रहता है। रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग स्पेस। अब अभी आपके आपके पास अगर पार्किंग स्पेस नहीं है, आपने बिल्डिंग बना दिया, ऑफकोर्स अगर आपकी बिल्डिंग के बाहर आप बाइक अपना पार्क कर रहे हो या फोर व्हीलर पार्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको टेंशन रहेगा यार मेरा बाइक सेफ है कि नहीं, ये सब चीज़ों का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइज ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के साइजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट के जब साइजेस होते हैं तो उस क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर सही तरीके से प्लान हो पाता है, तो हमको स्ट्रक्चरल एलिमेंट के प्रॉपर साइजेस भी चाहिए होता है। नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, जिसमें पहली चीज न्यू कंस्ट्रक्शन कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे आप बाय लॉज को पूरी तरीके से 100% फॉलो कर सकते हो और बाय लॉज के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो कितने एरिया पर बिल्टअप रहेगा, इतना एरिया आपका लाइक फ्री रहेगा, तो FAR निकाल सकते हो कि हमारा फ्लोर एरिया रेशियो कितना है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ एडिशनल एंड अल्टरनेशंस ऑफ टू अ बिल्डिंग्स, वहाँ पे भी अगर आपके पास कुछ एडिशनल कर रहे हो, आपका घर बन चुका है उसमें भी कुछ आपने नया ऐड करना चाहा, तो वहाँ पे भी बाई लॉ को फॉलो कर सकते हो। चेंजिंग ऑफ ऑक्यूपेंसीज ऑफ बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल से एजुकेशन बिल्डिंग में लेके जाना चाह रहे हो, सपोज आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग था तो उसमें क्या चेंजिंग्स कर सकते हो जिससे कि प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन हो जाए, वहाँ पे स्टूडेंट्स आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर ही छोटे छोटे प्री स्कूल्स या फिर स्कूल्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंड इज अंडरटेकन, ये भी समझना पड़ेगा। कोई भी लैंड हम लोग ले चुके हैं उसके बारे में उसमें भी करें तो उसमें भी हो जाएगा। इन डिमोलेशन मतलब आपने कोई बिल्डिंग्स पहले से बनाई थी, उसको आपने गिराया, उसको गिराने के बाद फिर से आप रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, तो उसके टाइम पे भी आप लॉस को फॉलो कर सकते हो और लॉस के रूल्स को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया, किस तरीके के एरियाज हमको होते हैं और हमें पता होना चाहिए। कुछ के नाम तो हम सुनते रहते हैं बट हमें आइडिया नहीं रहता या हम कभी कभी क्लियर नहीं रहते कि कौन से टाइप का एरिया किस चीज़ के लिए होता है। मीन्स अगर हम बात करूँ बिल्टअप एरिया का, मैं तो आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं यार बिल्टअप एरिया क्या होता है, अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा माइंड में, अरे ये तो मुझे आता है बट कन्फ्यूज हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहता आपको। इसके अलावा बिल्टअप एरिया के बाद आपका प्लिंथ एरिया रहता है। प्लिंथ एरिया आपका क्या है कैसे है वो नहीं समझ आता आपको कि प्लिंथ एरिया कितना होना चाहिए। फ्लोर एरिया है इसके बाद, फ्लोर एरिया आपका कितना साइज का क्या फ्लोर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लोर एरिया के बाद कारपेट एरिया आपको पता होना चाहिए कि कारपेट एरिया हमारा क्या होता है और हमें कारपेट एरिया का क्या यूज़ है। इसके बाद सुपर बिल्टअप एरिया का आपको आइडिया होना चाहिए कि सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि बिल्टअप एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, ये सबको देखते हैं एक एक करके। इससे पहले आप ये ध्यान देना कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोप कौन कौन से हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ पर हमारा स्कोप है वो भी समझना पड़ेगा हमें। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं पहले बिल्टअप एरिया होता क्या है। बिल्टअप एरिया, द एरिया कवर्ड by the buildings immediately above the plinth level, जो भी plinth level के ऊपर है, it is also known as covered area। मतलब आपको इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कवर एरिया। आगे मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है बिल्टअप एरिया एग्जैक्टली, बट फिर भी आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है ये समझना चाहिए। तो डिटेल टू बी इंक्लूडेड, जैसे कि बेसमेंट, पहली चीज़ क्या, बेसमेंट आपका इंक्लूड रहता है बिल्टअप एरिया में। दूसरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर कितने कितने दूर पे बन रहा है, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो भी बन रहा है वो सब कुछ इसके अंदर रहता है। उसके बाद यहाँ पे रहता है रैम्प्स।
आपके रैंप्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर आपने अपने सोसाइटी में, अपने टाउन में आपने क्रिएट किया हुआ है स्विमिंग पूल, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, आपका स्विमिंग पूल भी। रिजर्वायर है तो भी होगा, चिमनी है तो वो भी होगा, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी लगाया है आपने अगर अपने टाउन में, तो वो भी इसके अंदर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड होगा। तो आप सोच रहे होंगे सर इंक्लूड क्या नहीं होगा, इंक्लूड क्या नहीं होगा, तो डिटेल नॉट बी इंक्लूडेड दूसरे साइड आप देख सकते हैं। स्टेप्स आपके नहीं होंगे, जो भी स्टेप्स आपने क्रिएट होंगे वो नहीं होंगे। ओटा, ओटा होता है जस्ट बेस होते हैं और छोटे छोटे बेस बना के रखते हैं तो उसको ओटा बोलते हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कुंडी नहीं इंक्लूड होगा, सॉकपिट नहीं होगा, फाउंटेन भी नहीं होगा आपका। फाउंटेन आप सबको पता है फाउंटेन क्या होता है। मेन होल भी नहीं होगा उसके अंदर इंक्लूड, मेन होल को हम लोग बिल्टअप एरिया में नहीं लगाते। वाटर टैंक अगर हमने बनाया है बड़ा सा, उसको भी हम इसको लोग इसके अंदर नहीं करते हैं। वाटर टैंक भी अलग से आपका एरिया में सुपर बिल्टअप में आ जाएगा, बट बिल्टअप में नहीं। तो अब ये प्लिंथ एरिया क्या होता है, आपके माइंड में आएगा सर ये प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया का क्या यूज है, इसको भी हमें समझना चाहिए करेक्ट। तो प्लिंथ एरिया मतलब मीन्स द बिल्ट अप कवर्ड एरिया मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट और ऑफ एनी स्टोरेज। क्या क्या इसमें इंक्लूड रहता है, एरिया टू बी इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, पहली चीज एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट, एक्सटर्नल एरिया ऑफ द प्रोजेक्टिंग क्लैडिंग, ये चीज आपकी इंक्लूड रहती है। दूसरा कवर ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स का कवर आपको इंक्लूड रहता है। बरसाती भी आपकी इसके अंदर ऐड होती है, जो आप छोटे छोटे सेट्स बनाते हो वो लोग वो उनको भी ऐड करते हैं। मतलब मशीन रूम्स, मशीन रूम्स मतलब आपने जनरेटर का रूम बनाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का रूम बनाया हुआ है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। पोर्च विदाउट कैंटिलीवर, अगर कैंटिलीवर नहीं आपका पोर्च, वो पोर्च भी आपका प्लिंथ एरिया के अंदर आ जाएगा। प्लिंथ एरिया आपको पता ही है, ठीक है, तो प्लिंथ एरिया के अंदर वो भी आ जाएगा। क्या नहीं आएगा, एडिशनल फ्लोर टू अकोमोडेट सीट्स इन थिएटर्स असेंबली हॉल एंड ऑडिटोरियम, वो सब क्या आएंगे, वो सब प्लिंथ एरिया के अंदर नहीं आते हैं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बालकनी जो है वो भी प्लिंथ एरिया के अंदर में नहीं आती है, और साथ ही साथ कर्वेचर प्रोवाइड टू इम्प्रूव अपीयरेंस, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स विदाउट कवर टेरेस एवर फ्लोर्स, वो भी आपका इसके अंदर नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म्स विदाउट कवर टेरेस एवर फ्लोर्स, वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा। डोम टावर एंड टेरेस स्पायरल स्टेयर्स, ये सब कुछ भी प्लिंथ एरिया के अंदर नहीं आता है। आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में देखिए यहाँ पे प्लानिंग है प्रॉपर। यहाँ पे जो येलो आप देख रहे हो, ये येलो जो है आपका, ये कारपेट एरिया है। क्या है ये कारपेट एरिया है, ओके। और साथ ही साथ ये जो ब्लू वाला देख रहे हो आप, येलो को हम दूसरे वर्ड में अगर मैं समझाऊं तो ये जो यूजेबल एरिया होता है, जो यूजेबल एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स इज कॉल्ड कारपेट एरिया। और आपको कभी भी जब कभी अपने प्लॉट को खरीदना हो तो उसमें जो आपको प्राइस देने चाहिए, जो पैसे देने चाहिए, हमेशा यूजेबल एरिया यानी कारपेट एरिया का ही देना चाहिए। अगर कोई भी बिल्डर आपको बोल रहा है कि हमें आपका इतना बिल्टअप एरिया है और इतने पर बिल्टअप एरिया इतना स्क्वायर फीट का इतना चार्ज है, मतलब वो गलत चार्ज आपको बता रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स जितना इंक्लूड है, मतलब कारपेट एरिया जिसको आप बोलते हो, उसी का आपको प्राइस देना चाहिए। और अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो तो आपको भी सेलिंग वैसे ही करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया का ही क्लाइंट से पैसे लेना चाहिए। कारपेट एरिया क्या क्या हो गया, ये जो येलो वाली लाइन्स आप देख रहे हो, ये येलो प्लस ये जो इनर वॉल जैसे टॉयलेट का वॉल है, ये वॉल है, ये सब क्या है, ये सब ये है। तो फिर आप बोलोगे सर बिल्टअप एरिया क्या होता है, फिर तो बिल्टअप एरिया में कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल्स, कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल्स, ये क्या होते हैं आपके, ये आपका होता है बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल्स, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बिल्टअप एरिया। ये तो चलो ठीक है, आप कहोगे सर ये तो सबको समझ में आ गया। फिर सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, आप इसमें कंफ्यूज होगे कि सर सुपर बिल्टअप एरिया हमारा क्या होता है। तो सुपर बिल्टअप एरिया मतलब एरिया ऑफ वॉल्स जो आपकी आउटर वॉल्स है, प्लस कारपेट एरिया जो आपके इनर स्पेस है, प्लस कॉमन एरिया जिसमें से स्टेयरकेस आ गया, लॉबी आ गया, लिफ्ट आ गया, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा एरियाज है सब क्या हो जाएंगे आपके सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो सुपर बिल्टअप एरिया मतलब एरिया ऑफ वॉल्स, या आप सीधे बोल सकते हो इनर सॉरी कारपेट एरिया प्लस बिल्टअप एरिया इक्वल टू और जो प्लस एक्स्ट्रा जो कॉमन एरिया है मिला के हमारा क्या हो जाएगा, सुपर बिल्टअप एरिया हो जाएगा यहाँ पे, ओके।
अब नेक्स्ट हम लोग को समझना पड़ेगा कार्पेट एरिया क्या होता है एग्जैक्टली, थोड़ा और डीप में समझते हैं कार्पेट एरिया को। तो इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स, नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर जो भी नेट यूजेबल एरिया है वो हमारा क्या होता है कार्पेट एरिया होता है। प्लस ये जो इनर आप देख रहे हो, ये वॉल्स, ये वॉल्स, ये वॉल्स, ये सब वॉल्स क्या होती हैं, ये सब वॉल्स भी कार्पेट एरिया के अंदर ही आती है। इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स, इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स मीन्स द नेट एरिया विद इन यूनिट, विद इन यूनिट ऑफ बिल्डिंग्स एक्सक्लूडिंग वॉल्स और कॉलम्स सर्विस एरिया सच एज वॉशरूम, किचन एंड पेंट्री, सेमी ओपन स्पेस सच एज बरांडा और बालकनी एंड कॉरिडोर और पैसेजेस। ये सब क्या आते हैं, ये सब आपके कारपेट एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इट इज नेट यूजेबल एरिया विद इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के अंदर ये नेट यूजेबल एरिया ये आपके होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका बेडरूम है ये आपका कारपेट एरिया है, ये जो वॉल लाए के ये भी वॉल आपकी है, लिविंग रूम, ये किचन के लिए जो यहाँ बना हुआ है या बाथरूम, यहाँ पे जो बाथरूम के लिए बना है या इनक्लोज एरिया जो है, ये आपके किस में आ गया कारपेट है। बट ये कारपेट में नहीं आएगा और ना ही एक्सटर्नल वॉल आएगी आपकी, ये सब आपके कारपेट एरिया में नहीं आएंगे। सिर्फ ये आपका कलर देख रहे होंगे, कलर के हिसाब से आप समझ जाओ, क्लियर है आपका कारपेट एरिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्लोर एरिया के ऊपर। फ्लोर एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं इनको समझते हैं। तो इट इज़ यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर्स, यूजेबल एरिया मतलब कि सपोज आप फर्स्ट फ्लोर पे आपका इतना एरिया जो है आप यूज कर रहे हो एक्स वाई जेड कुछ भी एरिया, सेकंड फ्लोर पे आपका इतना एरिया है जो है उसको आप यूज कर रहे हो, थर्ड फ्लोर पे आप इतना एरिया यूज कर रहे हो, तो इट इज़ यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर्स। इट इंक्लूडिंग क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड रहता है, पोर्च, ईच फ्लैट एरिया इन सिंगल फ्लोर फॉर अपार्टमेंट, स्टेयर्स, कॉरिडोर्स, डोर स्विंग प्लेस, ये सब क्या आती हैं, ये सब फ्लोर एरिया के अंदर आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार फिर से समझेंगे हम लोग। पोर्च हमारे उसके अंदर आता है, पोर्च के साथ हमारे पास जो उसका क्या बोलते हैं ईच फ्लैट एरिया इन सिंगल फ्लोर फॉर अपार्टमेंट, वो भी रहता है इसके अंदर, स्टेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है, कॉरिडोर्स भी इंक्लूड रहता है, और डोर स्विंग प्लेस जो डोर को घूमने के लिए, डोर ओपन होने के लिए जो स्पेस यूज करो वो सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज फ्लोर एरिया, या फिर आसान शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो इट इज यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर, यूजेबल एरिया ऑन ईच फ्लोर्स। चलिए नेक्स्ट समझते हैं सेट बैक डिस्टेंस, बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने सेट बैक डिस्टेंस, और कन्फ्यूज होते होंगे यार ये सेट बैक डिस्टेंस क्या है हमारा। तो सेट बैक डिस्टेंस मीन्स आपका जो साइड यार्क सेट बैक है, जो साइड से आपको स्पेस छोड़ना पड़ता है ये भी एक सेट बैक है, फ्रंट से छोड़ना पड़ता है जो ये भी एक सेट बैक है, रियर से जो छोड़ना होता है ये भी सेट बैक है, और यहाँ से जो आप छोड़ते हो दैट इज ऑल्सो द सेट बैक। ये सब क्या है, सेट बैक्स हैं सबके सब, और ये आपको अलग अलग प्लॉट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेट बैक छोड़ना पड़ता है, रियर पे, फ्रंट पे, साइड पे, ऐसे जो भी अलग अलग रहते हैं सबके लिए अलग अलग। स्पेस आपका बड़ा रहेगा मतलब फ्लोर आपका बिल्टअप एरिया बड़ा है तो ये आपका स्पेस ज़्यादा छूटेगा, बिल्टअप एरिया कम है तो कम छूटेगा। ये क्या आपका स्ट्रीट है मतलब ये रोड है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे परमिसिबल सेट बैक डिस्टेंस, परमिसिबल सेट बैक डिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है विड्थ ऑफ रोड पे, अगर रोड का विड्थ जो है अप टू 12 मीटर्स है तो परमिसिबल सेट बैक हम लोग को वहाँ पे छोड़ना चाहिए 1.5 मीटर्स, कितना 1.5 मीटर्स, और अगर 12 मीटर के ऊपर है विड्थ ऑफ रोड तो उसके परमिसिबल यहाँ पे जो सेट बैक एरिया रहता है वो कितना लेंगे 2। ओके, रोड विड्थ अगर 3 मीटर्स एंड लेंथ 30 मीटर्स के अप्रॉक्स है तो वहाँ पे आपको सेट बैक देने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, वहां पे सेटबैक देने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इस सेटबैक के फायदे क्या होते हैं, आप सोच रहे होंगे सर सेटबैक तो देना है, इसमें स्पेस भी अपना खराब हो रहा है, मे भी आपके माइंड में ये आ रहा होगा, नहीं स्पेस खराब नहीं हो रहा है। चलिए समझते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। पहला, वेटर कंडीशंस ऑफ एयर, लाइट एंड वेंटिलेशन, आपको अगर स्पेस आपने छोड़ दिया, सेटबैक छोड़ दिया तो प्रॉपर लाइट मिल जाती है, प्रॉपर आपको एयर मिल जाता है और वेंटिलेशन मिल जाता है। एट कॉर्नर्स इट इम्प्रूव्स विजिबिलिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक, तो आपको अगर वहाँ पे ट्रैफिक से भी आपको छुटकारा मिल जाती है, नॉइस प्रोसेस की प्रॉब्लम्स हो जाती है, सॉल्व हो जाती हैं आपकी। और क्या बोलते हैं, क्या होता है कि अगर कॉर्नर पे आप हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक मतलब जैसे रोड पे लोग चल रहे हैं और सामने वाले का घर अगर पूरा का पूरा क्लोज है तो सामने से कौन सी ट्रैफिक आ रही है आपको आइडिया नहीं रहता, कभी कभी एक्सीडेंट के चांस रहते हैं, तो वो सब आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। स्पेस फॉर पार्किंग मिल जाती है क्योंकि अभी अभी आप जा रहे हो कहीं पे और आपको लाइक रुकना है कहीं पे तो कहीं ना कहीं आपको पार्किंग तो चाहिए ना, वहाँ से आप रुक सको पार्किंग पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस भी छोड़ के रखते हैं।
ओके, तो यहाँ पर हम लोग को स्पेस भी इसलिए छोड़ के रख देंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे अच्छे तरीके से कि स्पेस तो हो गया बट प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्ट्रीट न्यूसेंस एंड लाइक नॉइस, तो आपके नॉइस वगैरह से ओके, उसके बाद ट्रैफिक से कभी कभी आपका बाउंड्री के ऊपर किसी ने अपनी फोर व्हीलर चला दी, ये सब कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाती है आपकी नॉइस वगैरह की। और रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ फायर्स फ्रॉम नेवर हाउस, आपके लाइक बगल से जो प्रॉब्लम्स आने वाली है फायर की जो प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाती है। इट प्रोवाइड प्राइवेसी इन बिल्डिंग्स, सेटबैक से आपको अपना एक पर्सनल फील आता है कि हम लोग अपने घर में हमारा जो कॉरिडोर है हमारा अपना है, बालकनी हमारी अपनी है, तो एक तरीके से प्राइवेसी फील होती है उसके अंदर और डेफिनेटली ये फॉलो करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा होता है आपके स्ट्रक्चर्स के लिए। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि बिल्डिंग्स एंड कंट्रोल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बिल्डिंग्स एंड कंट्रोल लाइन पे। द फर्स्ट इज द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग्स, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग्स एडजॉइनिंग अ स्ट्रीट और रोड और ऑन फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली एक्सटेंडेड इज नोन एज बिल्डिंग लाइन, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग वाला। फिर से समझो, द लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग्स, जहां तक हम प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग्स को ले जा सकें, एडजॉइनिंग ऑफ अ स्ट्रीट, जहां से स्ट्रीट हमारी लाइन खत्म हो रही है उससे जस्ट जुड़ा हुआ, और रोड ऑन अ फ्यूचर स्ट्रीट में लॉफुली, अभी रोड नहीं बनी है आपका फ्यूचर कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है उस वहाँ तक भी अगर आप लेके गए हो तो दैट इज व्हाट दैट इज बिल्डिंग लाइन, मतलब आपने बता दिया भाई हमारा रेंज यहाँ तक है, उसको बोलते हैं। बिल्डिंग सच एज सिनेमा, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल सेंटर विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स शुड बी सेट बैक डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग लाइन्स, मतलब बिल्डिंग लाइक सच सिनेमाज में आप देखते होंगे, फैक्ट्रीज में देखते होंगे, कॉमर्शियल सेंटर लाइक कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है वहाँ पर अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ आती हैं तो उनके लिए सेट बैक डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग लाइन छोड़ना पड़ता है, तो वो भी क्या है आपका, वो भी आपका बिल्डिंग लाइन के अंदर ही आएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर आपको दो या चार गाड़ियाँ तो नहीं आती ना सिनेमाज में, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में, तो उसके लिए आपको पार्किंग की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द लाइन अप टू विच such buildings can be construct is known as control line, the line up to which such building can be construct is known as control line, matlab jahan pe hum parking dekh rahe hain kya yahan pe parking kar denge, the line up to which such buildings can be construct is known as control line, to aapko abhi ek idea lag gaya hoga ye control line kya hota hai aur building line kya hota hai। control line ke andar matlab aapki jo bhi in future tak karne wale ho aap parking ke liye, ठीक है, फोर व्हीलर पार्किंग, टू व्हीलर पार्किंग, वो सब पूरा एरिया क्या है, कंट्रोल लाइन है, और जहाँ तक आप बिल्डिंग का काम करने वाले हैं दैट इज़ बिल्डिंग लाइन, तो ये भी हमें बिल्डिंग बाय लॉ के अंदर समझने को आता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत से कॉन्सेप्ट, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज़, कहाँ तक आप बिल्डिंग पे काम करते हो, तो सबसे मिडिल में देखिए ब्लैक में आपको क्या दिख रहा है, रोड विड्थ, ये क्या है, रोड विड्थ, जहाँ पे बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर्स बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्यों नामुमकिन है, क्योंकि ये आपका रोड है और रोड पे आप घर बनाओगे तो आपका क्या होगा आपको पता ही है, बिल्डिंग लाइन ये है, ये क्या है, बिल्डिंग लाइन, अभी हम लोगों ने देखा ना वहाँ पे बिल्डिंग लाइंस, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। नो बिल्डिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है जी, लेकिन ये है कंट्रोल लाइन, नो बिल्डिंग अबव 13 meters, ठीक है, अगर 13 meters के ऊपर है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ये क्या आपका, ये कंट्रोल लाइन है, ये बिल्डिंग लाइन है, ये रोड विड्थ है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ओके ये होता है आपका बिल्डिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल लाइन में क्या करना है, बिल्डिंग लाइन में क्या करना है, रोड विड्थ में क्या करना है, रोड विड्थ में तो इसे कुछ नहीं करना है। आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए और क्या रूल्स हैं वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर इनको एक एक करके ध्यान से समझो तो लगेगा अच्छा हाँ यार ये तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ऐसा ही मैंने देखा है, ऐसा ही होता है, तो आपको एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ रहा होगा। अब इस इमेज को देखने के बाद आपको और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, देखो ये बिल्डिंग लाइन है, ये बिल्डिंग्स की यूनिट्स हैं, ये सेंटर लाइन है आपको पता ही होगा, और ये बिल्डिंग लाइन से, तो अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन सी बिल्डिंग लाइन है तो आप बता दो ये बिल्डिंग लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाइट प्लान, आप सोच रहे हो कि सर ये क्या होता है, लाइट प्लान भी आपको देना पड़ता है अपने क्लाइंट को अगर आप अच्छी साइड पे काम कर रहे हो, तो जैसे द एंगल ऑफ लाइट प्लान इज 45 degrees, द एंगल ऑफ लाइट प्लान इज 45 और 63.5 डिग्री,
So the angle of 63.5 degree setback becomes necessary when the total height of buildings exceeds twice the width of the road or street. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बिल्डिंग में उसको बोलते हैं हम लोग लाइट प्लान. क्या बोलेंगे? लाइट प्लान. कोई बोलता है कि लाइट प्लान क्या है, आप उनको बताओ. और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे फ्लोर स्पेस इंडेक्स पे, मतलब एफ एस आई. क्या होता है एफ एस आई? हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, समझा होगा कि ये एफ एस आई है, बट क्लियर नहीं हुआ होगा. तो आज आपको क्लियर हो जाएगा एफ एस आई क्या होता है. तो एफ एस आई को निकालने का सबसे ईजी फॉर्मूला क्या, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ फ्लोर प्लान्स, मीन्स ऑल फ्लोर, सॉरी टोटल कवर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, और साथ डिवाइड बाई प्लॉट एरिया. उसे क्या करो, आप प्लॉट एरिया को डिवाइड कर दो, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एफ एस आई. चलिए मैं बात करता हूँ रेसिडेंशियल की. तो अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका परमिसिबल एफ एस आई जो होता है वो हमारा कितना रहता है, 1 मैक्स एट ग्राउंड फ्लोर 0.4. रेसिडेंशियल है तो उसके लिए आपकी परमिसिबल एफ एस आई जो रहती है वो कितनी रहती है, 4. कितनी रहती है, फ्लोर. लेकिन 4 कब रहेगी, जब विड्थ ऑफ द रोड मोर देन 12 मीटर्स. विड्थ ऑफ द रोड मोर देन 12 मीटर्स, ये तब रहता है जब सिटी एरिया में आप काम कर रहे हो. रेसिडेंशियल 3B होता है एफ एस आई. कब? जब विड्थ ऑफ द रोड इज लेस देन 12 मीटर्स. अगर रेड लेस देन 12 मीटर्स है तो ऑफकोर्स आपकी एफ एस आई कितनी होगी, 3 होगी. अगर ग्रेटर देन 12 है तो आपकी एफ एस आई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. समझ गए होंगे आप लोग. इंडस्ट्रियल, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं और उनका, तब उनका कितना हो गया एफ एस आई, 1.5 मैक्सिमम अलाउ ऑन ग्राउंड फ्लोर 1. कितना, 1. यही चीज कॉमर्शियल होगा तो इसका एफ एस आई कितना होगा, 1.33. कितना होगा, 1.33. ओके जी. मैक्सिमम अलाउड ऑन ग्राउंड फ्लोर 0.4. कितना, 0.4. आप इस एग्जांपल में कंप्लीटली समझ जाएंगे कैसे कैलकुलेट करता है एफ एस आई. चलिए देखते हैं. आप इस प्लान में देखिए, यहाँ पर आपका टोटल एरिया कितना है, 4500 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया डिवाइड बाय 5000. तो एफ एस आई कितना आ गया आपका, 0.9 एफ ए आर, मतलब फ्लोर एरिया रेशियो. अब यहाँ पर देखिए, आपके पास प्लॉट एरिया तो कंप्लीट सेम है, कितना, 5000, बट यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया है टोटल. कितना, 3000, क्योंकि इसमें फ्लोर कम है. तो आपका कितना आ गया, 0.6 आ गया एफ ए आर. इसमें देखिए 5000 में केवल एक फ्लोर बना हुआ है, तो ये किसका कितना आ गया, 0.3. कितना, 0.3 FAR, मतलब फ्लोर एरिया रेशियो आपका आ गया. चलिए, तो अभी आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो कि किस तरीके से एफ एस आई निकालते हैं. बस ये देखो फॉर्मूला यही याद रखना, टोटल कवर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स बाय प्लॉट एरिया. तो वही यहाँ पे किया हम लोगों ने, तो क्या आ गया, सबका एफ एस आई आ गया. क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. आप इसको लिख के नोट डाउन करके या आपका डालो फॉर्मूले को. बाकी न्यू एफ एस आई जो आया है उसको आप यहाँ पे जी डी सी आर पे जाएंगे, वहाँ पे पेज नंबर 95 पे आप नेट से देख सकते हैं. तो वहाँ पे जाके आप स्पेशल अच्छी तरीके से एफ एस आई को देख सकते हैं, डीप में समझ सकते हैं उसको. चलिए, प्रिंसिपल्स अंडरलेइंग बिल्डिंग बायलॉज. क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, थोड़े से उनको समझेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे. द फर्स्ट इज क्लासीफाइंग द बिल्डिंग्स विथ यूनिट एज अ फैमिली और फैमिली एंड मेंशनिंग द रिक्वायरमेंट्स. ओके जी. सेकेंड इज क्लासीफाई rooms according to use and then specifying minimum standards of each rooms with respect to size, height, floor area, ventilation and lights. ठीक है, classify rooms according to use and then specifying minimum standards of each floor rooms with respect to size, height, floor area, ventilation and light. नेक्स्ट, स्पेसिफाई हाइट ऑफ कंपाउंड वॉल एंड लोकेशन ऑफ गेट इन वॉल. कंट्रोलिंग प्रोजेक्शंस इन मार्जिनल स्पेस. जितना मार्जिनल स्पेस है उसमें आपको क्या प्रोजेक्शंस को कंट्रोल करना है कि कितना होगा. इंसिस्टिंग ऑन सुटेबल एफ एस आई और एफ ए आर, मतलब एफ एस आई मतलब फ्लोर एरिया फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर एफ ए आर फ्लोर एरिया रेशियो. नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाई सुटेबल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई. सुटेबल
स्पेसिफाई द सुटेबल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई. स्पेसिफाइज सेटबैक्स लाइट प्लान एंड मार्जिन. लाइट प्लान एंड मार्जिन. स्पेसिफाई मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट्स देयर डायमेंशंस एंड फिगर्स. ओके जी, तो आपको समझ आ गए होंगे कुछ प्रिंसिपल्स बिल्डिंग बाय लॉ के. नेक्स्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पे बिल्डिंग बाय लॉज फॉर रेसिडेंशियल एरिया. अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो उसके लिए बिल्डिंग बाय लॉ क्या होगा और क्या रूल्स को फॉलो करेगा उसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं. सबसे पहली चीज साइज ऑफ प्लॉट. क्या साइज ऑफ प्लॉट्स? ओके. एरिया लिमिटेशंस. एरिया लिमिटेशंस के बारे में जानना चाहिए हमें. मार्जिन के बारे में जानना चाहिए हमें. और हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स. क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स? प्लिंथ हाइट. मिनिमम एरिया ऑफ रूम्स. एक एक रूम का क्या एरिया है? बेसमेंट्स. कंपाउंड वॉल. प्रोजेक्शन मार्जिन. पैरापिट वॉल. मेजिनियन फ्लोर. अब आप सोच रहे होंगे मेजिनियन फ्लोर क्या होता है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा. और स्टेयर केस. बिल्डिंग बाय लॉ फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर फॉलो हो रहा है ध्यान से देख लो. साइज ऑफ प्लॉट, आपके प्लॉट का साइज. एरिया लिमिटेशंस, कहाँ पर कितना एरिया पे हम बिल्डअप कर सकते हैं, कितना एरिया में कारपेट के लिए हमें निकल रहा है, वो सब कुछ. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मार्जिन कितना कहाँ पे छोड़ना है वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा. साथ ही साथ हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का हाइट कितना रखना है वो भी समझना पड़ेगा. और इसके बाद आपको वो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्लिंथ हाइट कितनी है. ओके. प्लिंथ हाइट के बाद आपको मिनिमम एरिया ऑफ रूम्स, किस रूम का कितना एरिया मिनिमम रखना है ये भी समझना पड़ेगा हमें. और इसके साथ ही साथ यहाँ पर समझना पड़ेगा बेसमेंट का एरिया कितना है. और इसके बाद हमें समझना पड़ेगा कंपाउंड वॉल, ठीक है. और फिर प्रोजेक्शन मार्जिन, प्रोजेक्शन मार्जिन कितना छोड़ना है ये भी हमें समझना पड़ेगा. और उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे पैरापिट वॉल के बारे में समझना पड़ेगा और मेजिनियल फ्लोर एंड स्टेयर केस के बारे में. चलिए सबसे पहले समझते हैं साइज ऑफ प्लॉट्स, प्लॉट के साइज के बारे में. डिटैच बिल्डिंग्स. अगर आपका जो प्लॉट है उसका जो साइज है वो 250 मीटर स्क्वायर, कितना 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है, उसका फ्रंटेज मैंने बोला ना अभी स्टार्टिंग में बताया मैंने फ्रंटेज कितना छोड़ना है, सेट रियर कितना छोड़ना है, तो फ्रंटेज उसका कितना छोड़ना पड़ेगा आपको 12 मीटर्स अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है. पूरा लॉ फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो जो अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं सिटीज़ में उनको फॉलो करना पड़ता है कंप्लीट. सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग्स अगर हैं और उनका जो एरिया है 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक है, कितना 125 से 250 मीटर स्क्वायर तक है, तो उसके लिए फ्रंटेज कितना होगा 8 to 12, कितना 8 to 12 मीटर्स, करेक्ट. रो टाइप बिल्डिंग्स अगर है, कितना रो टाइप बिल्डिंग्स अगर है तो उसके लिए प्लॉट साइज कितना लेंगे, उसके लिए प्लॉट साइज लेंगे हम लोग 50 to 125 मीटर स्क्वायर, कितना 50 to 125 मीटर स्क्वायर. कब? जब रो टाइप आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक है. मैक्सिमम रो टाइप बिल्डिंग्स बहुत कंस्ट्रक्ट होती है आपको पता ही है. तो उसका जो फ्रंटेज रखेंगे कितना रखेंगे 4.5 to 8 मीटर्स, कितना 4.25 to 8 मीटर. अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप छोड़ो उस पर. ये देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए स्पेस छोटा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए थोड़े से स्पेस छोटे हुए हैं, यहाँ पे देखिए स्पेस छोटे हुए हैं. तो ये आपको लॉ के अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ना पड़ता है कि हम लोग यहाँ के लिए इतना स्पेस हम लोग छोड़ के दे रहे हैं. नेक्स्ट एरिया लिमिटेशंस. एरिया लिमिटेशंस में हम लोग को देखना पड़ता है यहाँ पे कि द लिमिटेशंस ऑफ एरिया एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑक्यूपेंसीज क्लास इज अचीव्ड बाई सेटिस्फाइड फ्लोर एरिया रेशियो. ओके. जिसमें पहली चीज होती है ऑक्यूपेंसी क्लासेस. ओके. टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या क्या उसके अंदर फॉलो होते हैं FAR के अंदर. विड्थ ऑफ स्ट्रीट फ्रंटेज एंड बिल्डिंग्स एंड द ट्रैफिक लोड्स. पार्किंग फैसिलिटीज. लोकल फायर फाइटिंग फैसिलिटीज. वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज. इन सब के लिए आपको एरिया लिमिटेशंस कितना रखना है, वाटर सप्लाई के लिए, लोकल फायर फाइटिंग के लिए, पार्किंग फैसिलिटीज के लिए, तो वो सब हमको देखना पड़ता है एरिया किसके लिए कितना. अब बात करते हैं बिल्टअप एरिया की. ओके जी. द FSI सेल बी 1 विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.4 ऑन ग्राउंड फ्लोर. कितना? द FSI सेल बी 1 विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अप टू 0.4 ऑन ग्राउंड फ्लोर. तो अगर एरिया प्लॉट आपका 200 मीटर स्क्वायर के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, 66.67 द ऑफ द प्लॉट एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर, नथिंग ऑन सेकेंड फ्लोर एक्सिटिंग अप 25% ऑफ द ग्राउंड फ्लोर. ओके जी. बट अगर आपका एरिया ऑफ प्लॉट 2012
500 मीटर स्क्वायर है तो वहाँ पे 50% ऑफ द प्लॉट एरिया और 133 मीटर स्क्वायर विच इज मोर, उसके अकॉर्डिंग हम उतना यूज करेंगे कवर एरिया। अगर आपका जो एरिया प्लॉट जो है वो 501 से 1000 मीटर स्क्वायर है तो 40% ऑफ द प्लॉट एरिया या फिर 250 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर। और अगर आपका एरिया 1000 मीटर स्क्वायर ऊपर है तो वहाँ पे 33.33 ऑफ द प्लॉट एरिया और 400 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन आपको समझना पड़ेगा। द ओपन स्पेस इनसाइड्स एंड अराउंड द बिल्डिंग्स पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल टाइप हैव टू प्रोवाइड टू कैटर फॉर द लाइटिंग एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। किस किस चीज़ को देखना पड़ता है मार्जिन के लिए? पहली चीज़ आपको देखनी पड़ती है फ्रंट ओपन स्पेस। क्या देखना पड़ता है आपको? फ्रंट ओपन स्पेस, साथ ही साथ यहाँ पे हमको देखना पड़ता है रियर ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस और साइड ओपन स्पेस कितना कितना देना है। ठीक है, साइड ओपन स्पेस, फ्रंट ओपन स्पेस और ओपन क्या बोलते हैं रियर ओपन स्पेस। नाउ यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा फॉर बिल्डिंग्स अप टू 300 मीटर स्क्वायर प्लॉट एरिया, उसके लिए यहाँ पे आपको सीरीज देखना पड़ेगा। अगर प्लॉट एरिया जो है आपका वो अप टू 50 मीटर स्क्वायर है, कितना अप टू 50 मतलब छोटे छोटे घर है, तो उसके लिए फ्रंट ओपन स्पेस कितना छोड़ना पड़ेगा आपको अच्छे से यहाँ पे चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे याद कर लीजिए, ओनली 0.75 मीटर्स, क्योंकि अभी उसके पास स्पेस ही नहीं है तो कहाँ से यूज कर पाएगा बेचारा, ज़्यादा स्पेस दे नहीं पाएगा, करेक्ट। और अगर आपका जो प्लॉट एरिया है वो 51 to 75 मीटर स्क्वायर अगर आ रहा है तो उसका फ्रंट आपको देना पड़ेगा 1 मीटर्स, ओके, रियर जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपका 1 मीटर्स, साइड्स में देने पड़ेंगे आपको 0.5 मीटर्स मतलब आधा आधा मीटर। अगर उसका जो एरिया है वो 76 to 100 है, कितना 76 to 100 है, तो उसके लिए फ्रंट ओपन स्पेस कितना चाहिए 1.25 मीटर्स, रियर कितना चाहिए 1 और साइड्स कितना चाहिए 0.5, कितना 0.5। और इसके बाद अगर आपका प्लॉट एरिया 101 to 150 मीटर स्क्वायर है तो वहाँ पे आपको फ्रंट ओपन स्पेस कितना चाहिए 2 मीटर्स, ओके, रियर ओपन स्पेस कितना चाहिए 2 मीटर्स और उसके बाद साइड ओपन स्पेस कितना चाहिए 1.25, कितना 1.25, ओके। और 151 to 200 मीटर स्क्वायर अगर आपका एरिया है तो वहाँ पे आपको देना चाहिए 2, फ्रंट ओपन स्पेस कितना देना चाहिए 2 मीटर्स, रियर ओपन स्पेस देना चाहिए 2 मीटर्स और साथ ही साथ साइड ओपन स्पेस कितना देना चाहिए 1.25, कितना 1.25, ओके। अगर आपका जो प्लॉट एरिया है वो 201 to 300 मीटर स्क्वायर है, कितना 201 to 300 मीटर स्क्वायर है तो उसके लिए फ्रंट ओपन स्पेस कितना चाहिए 3 मीटर्स, ओके, रियर ओपन स्पेस चाहिए उसके लिए 2 मीटर्स, ओके, और साइड ओपन स्पेस कितना चाहिए 1.5 मतलब कि लगभग 1.5 मीटर आपको चाहिए उसको कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर बिल्डिंग्स अबव 300 मीटर स्क्वायर प्लॉट एरिया एंड हाइट अप टू 13 मीटर्स। हाइट अप टू 13 मीटर्स है और प्लॉट एरिया 300 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो आपका प्लॉट एरिया ऑफकोर्स बढ़ गया है तो वहाँ पर मिनिमम फ्रंट सेटबैक कितना चाहिए उसके लिए, तो विड्थ ऑफ द रोड इन अगर मीटर में बात करूँ तो अगर अप टू 12 मीटर्स है तो उसके लिए मिनिमम सेटबैक इन मीटर्स अगर मैं बात करूँ तो 3 मीटर्स होना चाहिए और अगर 12 टू 18 मीटर्स है तो उसके लिए सेटबैक कितना चाहिए मिनिमम 4 मीटर चाहिए और अगर वो अबव 18 मीटर्स है, कितना अबव 18 मीटर्स है तो उसके लिए मिनिमम सेटबैक कितना चाहिए, मिनिमम सेटबैक चाहिए 4.5 मीटर, ओके। मिनिमम रियर सेटबैक कितना चाहिए उसके लिए 3 मीटर्स। ये तो आप इसको लिख सकते हो, बड़े प्लॉट में बहुत फॉलो होता है ये रूल, अगर ये नहीं फॉलो किया आपने आपने ड्राइंग बनाया समेशन होगा ही नहीं ड्राइंग का, फिर आप परेशान हो गया ड्राइंग का समेशन नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न रहेगा कि आपको सेटबैक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको लॉ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो ऑफकोर्स कोई सामने वाला क्यों करेगा आपकी ड्राइंग को अप्रूव, तो आप परेशान होते हो क्या ड्राइंग मेरी अप्रूव नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मिनिमम साइड बैक की बात करता हूँ, अगर प्लॉट एरिया 300 to 670 मीटर तक है तो आपको उसके लिए मिनिमम सेटबैक कितना चाहिए 1.5 मीटर और 0.25
ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन ईच साइड्स, उसके हाइट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर वो एवप 670 है तो 3 मीटर ऑन बोथ साइड्स और 0.25 ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स व्हिच एवर इज हायर, उसके अकॉर्डिंग मतलब सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे सेटबैक देना पड़ेगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से हाइट बढ़ा सकते हो बिल्डिंग्स का, बिल्डिंग का हाइट उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। तो पहला चीज़, हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट का विड्थ है उस पर डिपेंड करेगा। ओके तो अब देखिए इसमें, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग शैल नॉट बी एक्सीड 1.5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द रोड, उस अगर विड्थ ऑफ द रोड उतना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हाइट रखना पड़ेगा अपने बिल्डिंग का। ओके जी, फॉर बिल्डिंग्स इन विकिनिटी ऑफ एरोड्रोम्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स इज फिक्स इन कंसल्टेशन विद सिविल एक्टिवेशन अथॉरिटीज एविएशन अकॉर्डिंग सॉरी। तो एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पे आपको फ्लाइट वगैरह उड़ती है, ठीक है, जहाँ पे फाइटर प्लेन वगैरह उड़ते हैं, ऐसे जगहों पे उसकी हाइट डिसाइड होती है कि हमको कितने हाइट में बिल्डिंग कंप्लीट करना है, उसके ऊपर हम लोग हाइट नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा वहाँ पे रूल रहता है। तो द हाइट शैल नॉट इंक्लूडिंग ऑफ इफ बिल्डिंग्स इज इरेक्टेड 1/3 ऑफ द रूफ एरिया इंक्लूडिंग। ओके, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो रूफ टैंक एंड इट सपोर्ट्स, वेंटिलेशन, लिफ्ट रूम्स, रूम रूफ स्ट्रक्चर्स अदर देन पेंट हाउस। ओके, प्लिंथ एरिया, अब इसमें ध्यान से देखो प्लिंथ हाइट के बारे में। अब आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत से पॉइंट ऐसे में ध्यान देने पड़ते हैं जो कि हमको समझना ही पड़ेगा। तो प्लिंथ हाइट की अगर मैं बात करूँ, द हाइट ऑफ द प्लिंथ शैल नॉट बी लेस देन 450 mm ग्राउंड लेवल। ओके, द हाइट ऑफ द प्लिंथ शैल नॉट बी लेस देन 450 mm ग्राउंड लेवल। ओके जी, मिनिमम हाइट ऑफ 600 mm इज द बेस्ट फ्रॉम द ड्रेनेज और अदर कंसिडरेशन। ओके जी, इट इज मिनिमम 900 mm इन वाटर लॉक सॉइल्स। वाटर लॉक सॉइल्स अगर वहाँ पे, तो मिनिमम आपको प्लिंथ हाइट कितनी देनी चाहिए, 900 mm तो जरूर देना चाहिए। वैसे जनरली कम से कम 1.5 फीट तो जरूर मतलब मिनिमम देना ही देना है, उसके नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो प्लिंथ हाइट को। अब मिनिमम साइज ऑफ डिफरेंट रूम्स, कौन से रूम का क्या साइज रखना चाहिए, इसके भी रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें हाइट को फिक्स करना चाहिए कि इसके लिए इतना हाइट, इसके लिए इतना हाइट। चलिए अगर बात करूँ मैं हैबिटेबल्स रूम्स, जैसे कि बेडरूम की बात करता हूँ, या फिर लिविंग रूम, या फिर स्टडी रूम्स, तो इनके लिए जो मिनिमम एरिया है वो एरिया कितना है, 9.5 मीटर स्क्वायर। कितना, 9.5 मीटर स्क्वायर, जिसमें से मिनिमम साइज ऑफ साइड मतलब एक साइड उसका कितना होना चाहिए, कम से कम 2.4 मीटर्स। कितना, 2.4 मीटर्स। तो आप कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट, डेफिनेटली आपका जो दूसरा साइड रहेगा वो 3 मीटर के अप्रॉक्स आएगा, 2.4 के। अब क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको आइडिया लगा, मिनिमम एरिया मैंने बता दिया 9.5, आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया 1 मीटर बाई 30 मीटर्स, हो तो गया ना, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, स्पेस में 1 मीटर में क्या आप यूज करोगे। तो आपको मिनिमम साइड फिक्स रहता है कितना, 2.4 मीटर्स, नॉट लेस देन, हाइट के बारे में देखिए, नॉट लेस देन 2.75 मीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द फ्लोर टू लोएस्ट पॉइंट ऑफ सीलिंग्स। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग्स जो आपकी फॉल सीलिंग्स रहेगी और सरफेस के बीच में मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.75 मीटर्स। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगा, एज पर नीड, वो डिपेंड करता है कि साइड पर आप क्या कर रहे हो, उसके अदर रिक्वायरमेंट्स फिक्स रहती है। जैसे मैं बात करूँ किचन की, किचन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बिल्डिंग के अंदर आपको लगने ही लगने वाला है किचन। तो किचन आपको कितना रखना चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर। कितना, 5 मीटर स्क्वायर मिनिमम आपको किचन का एरिया रखना चाहिए। द मिनिमम साइज ऑफ साइड्स, साइड का कितना आपको साइज रखना चाहिए, 1.8 मीटर्स। कितना, 1.8 मीटर्स, उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए, नॉट लेस देन 2.75 मीटर्स। नेक्स्ट, किचन जो है, किचन आपको अगर 1.8 मीटर्स है तो आपको फिक्स हो जाता है कि आपका एक फिक्स कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर कितना रहेगा, अब इस पर आप डिपेंड करते हैं, बट मिनिमम 5 मीटर स्क्वायर आपका होना चाहिए और हाइट उसकी नॉट लेस देन 2.75। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए चिमनी वगैरह यूज करने वाले हैं, तो अब चिमनी की आपको प्रॉपर हाइट देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग गैस देखना पड़ेगा कितने हाइट पर रख रहे हो, और एज पर नेट अदर रिक्वायरमेंट सेट करने पड़ेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाथरूम्स। आप बाथरूम और वाटर क्लोसेट के बारे में अगर देखें तो उसका मिनिमम एरिया, क्योंकि बाथरूम तो आप बहुत बड़े बड़े बना सकते हो, बट मिनिमम कितना होना चाहिए आपका,
1.8 मीटर स्क्वायर, कितना 1.8 मीटर स्क्वायर। इफ बाथ एंड वाटर क्लोजेट आर कंबाइंड इट्स फ्लोर हाइट शैल नॉट बी लेस देन 2.8 मीटर स्क्वायर विथ मिनिमम विड्थ ऑफ 1.2 मीटर्स। इतना आपको होना चाहिए 1.2 मीटर्स, मतलब अप्रॉक्स 4 फीट तक आपका स्पेस क्या बोलते हैं साइड चाहिए वन साइड का। हाइट नॉट लेस देन 2.1 मीटर्स, इससे अगर नीचे हाइट है तो प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप उसके अंदर लाइक अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट कर रहे हो बाथरूम के अंदर, तो आपको 2.1 मीटर मिनिमम हाइट चाहिए और अदर रिक्वायरमेंट उसकी एज पर नीड होनी चाहिए। नाउ वी टॉकिंग अबाउट स्टोर रूम्स। अब स्टोर रूम के लिए मिनिमम एरिया कितना चाहिए 3 मीटर स्क्वायर, कितना 3 मीटर स्क्वायर। ऐसा फिक्स नहीं है कि इसका मिनिमम साइज चाहिए, क्यों? ऑफकोर्स स्टोर रूम के अंदर आपको सिर्फ अपने लाइक जो भी सामान है उसको स्टोर करना है, सो इट्स नॉट फिक्स कि इतना ही चाहिए आपको। एज पर ड्राइंग अवेलेबिलिटी उस पर आपको कर सकते हो। उसकी हाइट जो होती है नॉट लेस देन 2.2 मीटर्स, इतना आपको फिक्स रखना है, इतना आपको रखना ही रखना है। गैरेज आपका मिनिमम कितना होना चाहिए 12.5 मीटर स्क्वायर, जिसका मिनिमम अगर आप साइज रख रहे हो तो 3 मीटर इंटू 6 मीटर रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि गैरेज के अंदर हो सकता है आप पार्किंग भी यूज करो, उसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगर 3 मीटर्स नहीं है तो आपकी बाइक, अगर बाइक तो है तो चलो हो जाएगी, बट फोर व्हीलर अगर है तो वो भी नहीं जा पाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लॉट को डिजाइन करना पड़ेगा। और उसकी जो हाइट है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर फोर व्हीलर ले रहे हो तो उसकी भी कुछ पर्टिकुलर हाइट होगी, तो नॉट लेस देन 2.4 मीटर्स, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। बात करते हैं स्टेयरकेस की, और स्टेयरकेस देखिए आपको पता ही है कि आपका रेजिडेंशियल के लिए आप अलग विड्थ रखते हो, कॉमर्शियल के लिए अलग, तो मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर इज 0.9 मीटर्स, मींस अप्रॉक्स 3 फीट आपको मिनिमम विड्थ रखना ही रखना होता है। क्लियर हेड रूम सेल बी 2.2 मीटर्स, कितना 2.2 मीटर्स का क्लियर हेड होना चाहिए। इसके अदर रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग रहते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मिनिमम विड्थ ऑफ द थ्रेड विदाउट नोजिंग 250 mm इन रेसिडेंशियल, और द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइजर सेल बी 190 mm फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो अभी रेसिडेंशियल के लिए आप कमर्शियल के लिए अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, बिल्डिंग रिक्वायरमेंट इन द सेंस आप देखिएगा, तो यहाँ पर रूम शॉप और ऑफिस के लिए मिनिमम फ्लोर एरिया जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए। और किचन के लिए देखिए 3.8 है, स्टोर रूम के लिए 3.6, पूजा के लिए और बाथरूम और यहाँ पे पंप कोल ड्रेसिंग रूम्स इन सब के लिए मिनिमम फ्लोर एरिया जो होने चाहिए कितना होना चाहिए 1.35, इसके लिए कम से कम यूज़ करो। गैरेज के लिए 12, और साथ ही साथ अगर वॉशरूम वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए 0.81, स्टडी रूम के लिए 3.6, स्टॉल वगैरह रख रहे हो तो उसके लिए अब 2.9, और टॉयलेट वगैरह के लिए 1.75। तो लॉफ्ट नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द बाथरूम सेल बी परमिटेड एट द हाइट ऑफ द 2 मीटर्स। अब बात करते हैं बेसमेंट के बारे में, तो बेसमेंट्स को आप सबको पता है क्या होता है, द बेसमेंट शैल नॉट बी यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अभी क्या करते हैं लोग बेसमेंट के अंदर तरह तरह के रेसिडेंशियल थोड़े बहुत रहने के लिए गार्ड रूम वगैरह बना सकते हैं, बट पर्सनली कभी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के बेसमेंट पे हमें कोई भी वर्क अप्रूव नहीं करती है गवर्नमेंट। द बेसमेंट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द prescribed setback and building lines and subject to maximum on entrance floor may be put to only the following uses। किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप उसको, स्टोरेज ऑफ हाउस होल्ड्स, उसके लिए स्टोरेज बना सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम्स बना सकते हो, बैंक सेलर्स बना सकते हो, पार्किंग प्लेसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स एंड अदर मशीन्स के लिए, जैसे कि आप उसमें MEP के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हो, फायर फाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हो आप बेसमेंट में, बेसमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वर्क कर सकते हो, ये सब कामों के लिए आप कर सकते हो, बट नॉट यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ बेसमेंट्स, उसमें बेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द हाइट ऑफ द बेसमेंट फ्रॉम द फ्लोर टू द अंडर साइड्स ऑफ द रूफ स्लैब्स और सीलिंग सेल नॉट बी लेस देन 2.4 मीटर, तो मतलब मिनिमम इतना हाइट आपको देना ही देना है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सीलिंग्स एंड एनी बेसमेंट सेल बी 0.9 मीटर्स एंड द मैक्सिमम 1.2 मीटर्स अबव द एवरेज सराउंडिंग ग्राउंड लेवल्स, तो इतना आपका होना चाहिए। एडिक्वेट अरेंजमेंट सेल बी मेड सच दैट सरफेस ड्रेनेज डज नॉट इंटर द बेसमेंट। द वॉल एंड फ्लोर of the basement shall be watertight. The access to the basement shall be separated from the main and alternative staircase providing access and exit from higher floors. चलिए अब बात कर लेते हैं कंपाउंड वॉल का। कंपाउंड वॉल के लिए एक्सपेक्ट विद द स्पेशल परमिशन
ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ कंपाउंड वॉल सेल बी 1.5 मीटर्स अबव द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट स्ट्रीट. ओके, कितना होना चाहिए? कम से कम 1.5 मीटर्स. इट इज परमिटेड 2.4 मीटर व्हेन द टॉप ऑफ 0.9 मीटर इज ओपन टाइप कंस्ट्रक्शन. अगर ओपन टाइप कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे 2.4 मीटर्स. द कॉर्नर प्लॉट, कॉर्नर इन द सेंस आप देखते होंगे आपके रोड दो साइड से रोड से, तो वो जो कॉर्नर का वो उसको बोलते हैं कॉर्नर प्लॉट. तो कॉर्नर प्लॉट इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 0.75 मीटर्स फॉर अ लेंथ ऑफ 10 मीटर्स ऑन साइड एंड फ्रंट इंटरसेक्शंस. द बैलेंस हाइट ऑफ 0.75 मीटर मे बी मेड अप थ्रू रेलिंग्स एंड ऑफ टू ऑफ डिजाइन टू बी अप्रूव बाई द अथॉरिटीज. तो भी आपकी अथॉरिटीज के थ्रू ड्राइंग आपकी पास होती है वहाँ पे. आप लोग सोच रहे होंगे मेजनियन फ्लोर क्या होता है, तो मेजनियन फ्लोर के बारे में कन्फ्यूजन्स रहती है. अभी हम लोग उसका एक इमेज दिखाएंगे जिस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा. मिनिमम हाइट ऑफ मेजनियन फ्लोर सेल बी 2.2 मीटर्स. कितनी होनी चाहिए? 2.2 मीटर्स. द मिनिमम साइज ऑफ द मेजनियन फ्लोर इफ इट इज टू बी यूज एज लिविंग रूम सेल नॉट बी लेस देन 9.5 मीटर स्क्वायर. द एग्रीमेंट great area of such masonry floor in the building shall in no case exceed one third the plinth area of the buildings. तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या होता है masonry floor. ये देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है masonry floor है, ये आपका क्या है masonry floor है, जो कि एक फ्लोर से जस्ट थोड़े से नीचे की हाइट होती है आपके masonry floor की. तो ये थे कुछ बिल्डिंग बायलॉज जिनको हमको समझना चाहिए अच्छे तरीके से और एक एक करके इनको हमको याद रखना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको कंपाउंड वॉल के जो रूल्स हैं इनको फॉलो करो, रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करो कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेसमेंट क्या होते हैं. और क्योंकि अगर इनको नहीं पता है आप अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो और डिज़ाइन आपकी पास ही नहीं हो रही है या फिर कॉरपोरेशन बोल रहा है कि नहीं हम ये लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. बिल्डिंग बाय लॉ हर स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आपको अपने जो भी अपना जिस स्टेट का प्रोजेक्ट कर रहे हो उस स्टेट के लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे. बट अप्रॉक्स जो आपके गाइडलाइंस रहेंगे लगभग यही गाइडलाइंस रहते हैं, कुछ खास चेंजिंग्स नहीं होती हैं. बट फिर भी जैसे कि कमर्शियल के लिए कुछ चेंजिंग्स होते ही है, कुछ चेंजिंग्स हर जगह पे हो जाती है. हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स में भी चेंजिंग्स होती है, मिनिमम फ्रंट सेटबैक और ये जो प्लॉट्स हैं अब इनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, लगभग ये सब सेम्स होते हैं आपके हर जगह पे. फॉर बिल्डिंग अप टू 300 मीटर स्क्वायर द प्लॉट एरिया आपका ये फॉलो. अब देखिए इसमें आपको प्रॉपर क्लियर हो रहा था कि प्लॉट एरिया कितना था, उसके अकॉर्डिंग फ्रंट कितना रखा हमने, रियर कितना रखा, साइड्स कितना रखा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है. मार्जिन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट रियर और ओपन में क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लॉट एरिया के अकॉर्डिंग कितना एरिया कवर करना है वो भी देख लिया आपने. एरिया लिमिटेशंस, ये देखिए यहाँ पे आपको कितना स्पेस छोड़ा जा रहा है, ये स्पेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़ना. यहाँ पे आप क्या फ्लोर यूज़ कर रहे हो, कितना रोड का विड्थ है, रोड के विड्थ के अकॉर्डिंग बिल्डिंग की हाइट कितना है, इसका FSI कितना है, FSI आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी समझिए कि FSI क्या है, एरिया लिमिटेशंस. और साथ ही साथ यहाँ पे प्लॉट के साइजेस हम लोगों ने देखा कि प्लॉट के साइज़ कितना रहेंगे तो उसका फ्रंट कितना छोड़ा जाएगा. अगर ये गाइडलाइन आपको आता है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि रेसिडेंशियल के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बिल्डिंग बाय लॉ हम लोगों ने देखा. FSI के लिए इसको आप डाउनलोड कर लीजिए GDCR को, तो यहाँ पे जाके आप स्टडी कर लीजिएगा. वैसे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितने एरिया पर कितना कंस्ट्रक्शन हो गया है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का फॉर्मूला और इसके परमिशनल FSI को भी आप ध्यान में रखते हुए पढ़ लीजिए. लाइट प्लान्स आपको देखना है, बिल्डिंग लाइन सेंट्रल लाइन SL क्या होता है. अब इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कंट्रोल लाइन कहाँ से है, कंट्रोल लाइन कौन सा होता है जहाँ से आप पार्किंग को यूज़ कर रहे हो, बिल्डिंग लाइन कौन सी है और रोड विड्थ क्या है इसको समझना पड़ेगा. और इसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल्स लाइन क्या है इसके बारे में समझना पड़ेगा आपको. एडवांटेज ऑफ सेटबैक, सेटबैक क्यों छोड़ते हैं उसका रीजन आपको पता होना चाहिए. रोड विड्थ के अकॉर्डिंग सेटबैक को छोड़ना पड़ता है. साइड यार्ड, अगर कोई भी आपको बोलेगा साइड यार्ड सेटबैक क्या है, फ्रंट क्या है, रियर क्या है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो उसको. फ्लोर एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. कारपेट एरिया को कभी भी भूलना नहीं है. इनर मतलब यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स की जो थिकनेस वो इंक्लूड होती है किसके अंदर, कारपेट के अंदर. तो रेरा के अकॉर्डिंग सिर्फ कारपेट एरिया का ही आपको पैसा देना है, आपको बिल्टअप एरिया का पैसा नहीं देना है. तो आपको जब पता रहेगा कारपेट एरिया का तभी आप उसके बारे में बता सकते हैं. बिल्टअप एरिया में क्या क्या ऐड होता है, प्लिंथ में क्या ऐड होता है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज जो है उनके लिए क्या क्या यूज़ होते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा. इसके लिए क्या यूज़ होता है, किसके लिए क्या यूज़ नहीं होता है. सो हम लोग यहाँ पे बिल्टअप एरिया को ध्यान से रखिए, प्लिंथ एरिया के बारे में पढ़ना चाहिए, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, इन सबको एक एक करके देखना है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग्स बाय लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या है,
न्यू कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे फॉलो करना है, एडिशनल एंड अल्टरनेशन ऑफ द बिल्डिंग्स में क्या फॉलो करना है, चेंज ऑफ ऑक्यूपेंसीज ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब रेसिडेंशियल से कॉमर्शियल, कॉमर्शियल से रेसिडेंशियल बना रहे हो या कॉमर्शियल से स्कूल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर आप हॉस्पिटल का लाइक कर रहे हो, तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपको लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर डिमोलिशंस कर रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर भी हमें रूल्स रखने हैं। इसके साथ हम लोग स्कोप ऑफ द बिल्डिंग हाई बिल्डिंग बाई लॉ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन, मिनिमम प्लॉट साइज़, ये सब को देखना पड़ता है हम लोग को। और यहाँ पे बिल्टअप एरिया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल्डिंग बाई लॉ को भी फॉलो करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं उसके। सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, हेल्थ इशूज़ को समझना पड़ेगा बिल्डिंग बाई लॉ के। यहाँ पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डिफिनीशन, तो इसकी डिफिनीशन हमको समझनी पड़ेगी। द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाई टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज कवरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द पब्लिक थ्रू ओपन स्पेस मिनिमम साइज ऑफ रूम्स एंड हाइट एंड एरिया ऑफ लिमिटेशन इज नोन एज बिल्डिंग बाई लॉज। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरीके की बिल्डिंग्स अगर कोई भी आपके एरिया है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एक रूल से क्या है डेवलपमेंट के लिए आपको बायलॉज को फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन, वर्टिकल डेवलपमेंट, आपको तो बोलता है कि अभी हम लोग कौन सा डेवलपमेंट करते हैं, अभी हम हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, क्यों, स्पेस की शॉर्टेज है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग करते हैं वर्टिकल डेवलपमेंट। तो वर्टिकल डेवलपमेंट करेंगे तो ये मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हैं किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी बढ़ती है, तो उससे एरिया भी आपका ख़राब होता है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम रह पाती है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है विथ प्लान। तो अपने लाइक इंडिया में अगर हम लोग देखें तो कई सिटीज़ हैं जो विथ प्लान से बनी हुई, जैसे कि आप चंडीगढ़ का एग्जांपल लीजिए, तो चंडीगढ़ को बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, इस तरीके से टाउन प्लानिंग हुई है। अब वहाँ पे आपको चंडीगढ़ का रूल है कि जैसे कि वहाँ के रूल है कि वहाँ पे मिनिमम आपको क्या बोलते हैं 3 फ्लोर्स के ऊपर आप नहीं जा सकते ऊपर। तो 3 फ्लोर्स के ऊपर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट का लैंडिंग होता है और चंडीगढ़ एक छोटी सिटी है तो रूल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप चंडीगढ़ का स्पेस छोड़ते हो तो जब आप दिल्ली साइड्स में आते हो तो वहाँ पे आपको वहाँ पे फ्लोर हाइट के कोई भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करना पड़ता। सो वहाँ पे 10 फ्लोर 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लॉ को आपको फॉलो करना है। आप अपने स्टेट का बाई लॉ फॉलो कर लीजिए, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होगी वो ये रहेगी और इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे जो भी काम करना है उसको कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्लोर आपने समझा, यहाँ पे एरिया लिमिटेशन समझा, मार्जिन समझा। अब आप समझा सकते हैं किसी को भी कि क्या होता है बिल्डिंग बाई लॉ और इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरीके से हम लोग इसको समझ चुके हैं कि क्या बिल्डिंग बाई लॉ होता है और इसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। काफ़ी बड़ा हो गया था लेक्चर, रीज़न यही था इतने ज़्यादा कंटेंट को कैसे जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया जा सकता है। और बहुत भाग भाग के करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया डेफिनेटली उसको समझ आया होगा कि क्या होता है बिल्डिंग बाई लॉ और कौन कौन से रूल्स आपको अच्छे लगे, कौन सा समझ में नहीं आया और कौन सा समझ में आया। आपको लगता है कि मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, हो सका तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो क्योंकि आप में से जितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं मतलब डेफिनेटली वो फुल फोकस्ड हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो चाहते हैं कि मैं कुछ डीप स्टडी करूं। मैं चाहता तो बिल्डिंग में लोग को 5 मिनट में समराइज कर सकता था, आपको बता सकता था, बट वो मुझे मजा नहीं आता जब तक मैं डीप में जाता नहीं हूँ। तो सपोर्ट करिए इसको, और अभी जब इतना देर तक किया था आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस पीडीएफ को पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप नीचे यहाँ पे है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं इस पूरे पीडीएफ को डाल दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। क्या आप चाहते हो इस तरीके के बड़े बड़े मैं टॉपिक्स को क्लियर करूँ, आपकी एक एक चीजों का क्लेरिफिकेशन करूँ? इफ यू वॉन्ट तो नीचे कमेंट करना, येस डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, डेफिनेटली।